हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 9 Pro के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, ये कब लॉन्च होगा और किस प्राइस में लॉन्च होगा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं यार। What are you waiting for? Do it! Just do it! तो दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। अगर हम लोग फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों हम लोग बैटरी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, रूमर ये भी है कि यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है हायर वेरिएंट में। अगर दोस्तों हम लोग स्क्रीन की बात करें तो 6.53 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलेगी। और अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉइड वर्जन 10 आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और दोस्तों, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट्स मिलेंगे, यानी कि 2 नैनो या फिर 1 नैनो या फिर 1 मेमोरी कार्ड। और अगर दोस्तों डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको IPS LCD जिसकी पिक्सल डेंसिटी होगी 395 PPI। और अगर दोस्तों स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080x2340 पिक्सल्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सेम आपको Realme 6 Pro के जैसे यहाँ पर आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों हम लोग चिपसेट की बात की जाए, यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर आपको वही सेम टू सेम जो Realme 6 Pro में आपको देखने को मिल रहा है, वही इसमें भी देखने को मिलेगा, यानी कि Qualcomm Snapdragon 720G जो एक दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.3 GHz डुअल कोर क्रायो 465 प्लस 1.8 GHz हेक्सा कोर क्रायो 465। और दोस्तों अगर इसकी आर्किटेक्चर की बात की जाए तो 64 बिट का ये प्रोसेसर है। और अगर दोस्तों ग्राफिक की बात की जाए तो यहाँ पर एंड्रीनो का 618 देखने को मिलेगा, यानी कि आप दोस्तों पबजी बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं हाई सेटिंग्स में। अगर दोस्तों आप अगर रैम हायर वेरियंट का लेते हैं, यानी कि हायर रैम वेरियंट वाला ये फ़ोन लेंगे तब। और अगर दोस्तों हम लोग अगर एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको वैसे ही 256 GB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी देखने को मिलेगा, यानी कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के Realme 6 Pro की तरह सेम टू सेम। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल Realme 6 Pro की तरह ही Redmi Note 9 Pro है। इसमें कुछ एडवांटेजेस नहीं है, बल्कि आपको इसमें 4500 mAh का बैटरी मिलेगा, वहाँ पर Realme 6 Pro में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही है। फ्रंट जो कैमरा है वो थोड़ा एनहेंस कर दिया गया है, 220 मेगापिक्सल का जो कैमरा है थोड़ा एनहेंस कर दिया गया है। और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि दोस्तों दोनों फोन लॉन्च हो जाएंगे, उस हिसाब से अपने हिसाब से दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन बेस्ट नहीं है। और दोस्तों मैं Redmi Note 9 Pro और Realme 6 Pro के दोनों के बीच कंपैरिजन लेके आऊंगा, बताऊंगा आपको कि दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट होगा, किसको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप Redmi Note 9 Pro के लिए एक्साइटेड है कि Realme 6 Pro के लिए एक्साइटेड है। वैसे अगर लॉन्च डेट की बात की जाए तो Redmi Note 9 Pro 12 मार्च को लॉन्च होगा और दोस्तों जो Realme 6 Pro है वो 5 मार्च को लॉन्च होगा। तो दोस्तों देखते हैं दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट निकलता है। जैसे दोस्तों Realme 6 Pro के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, वैसे ही Redmi Note 9 Pro के रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चलिए बाय। जस्ट डू इट। You're tired of starting over. Stop giving up.